Hello students, today I am going to start a new exercise 3.2 derivative of inverse functions. Exercise 3.2 derivatives of inverse functions. Right, formula dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx. बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है. जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे एकदम सेम टू सेम वैसे ही करना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर. राइट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले जैसा ही. विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to dy dx 12 plus 10x plus 25x square. Right? Then dy dx 12 कितना होगा? इसे बढ़ा देता हूँ मैं. 12 प्लस 10, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 25 बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर. राइट, सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा. डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट नंबर मतलब 0, राइट, प्लस 10 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का कितना होता है 1, राइट, प्लस 25 ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x. अंडरस्टूड? देयरफॉर 10 वन जा 10 प्लस 25 टू जा 50x, राइट. देयरफॉर बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या मिलेगा हमको, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx. राइट, ये फॉर्मूला है, लिख दिया फॉर्मूला, 1 अपॉन 10 प्लस 50x, 10 प्लस 50x, ये हो गया आपका फॉर्मूला. इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं अभी. फिर से देख लो एक बार, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, dx अपॉन dy फाइंड करना रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड या मार्जिनल डिमांड फाइंड करना है, तो आपको ऐसे ही करना है. दो ही क्वेश्चन इसमें दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड या फिर मार्जिनल डिमांड विद रिस्पेक्ट टू y, राइट, x या y जो भी वहां भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से करोगे आप. तो dx अपॉन dy, dy नीचे विद रिस्पेक्ट टू y दिया है, प्राइस दिया रहेगा, कुछ तो दिया रहेगा वहां पे. dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 10x, ये 10 है, 10, 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx, total question लिख दिया, फिर d upon dx 12 plus 10 constant the बाहर ले लिया, d by dx x plus 25 constant the बाहर ले लिया, d by dx x square, right? अब constant का पता ही आप लोगों को, constant number का derivative क्या होता है, 0, then 10 into x का derivative कितना होता है 1, then 25 constant ऐसे लिखा, x square का कितना होता है 2x, right? तो 0 0 cancel,
जीरो नहीं लिखेंगे, 10 इंटू वन 10, 25 टू जा 50, 50x, तो 10 प्लस 50x, बट हमको फाइंड क्या करना है, dx अपॉन dy, तो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन कितना आया था dy बाय dx, 10 प्लस 50x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझा नहीं समझा तो आप फिर से पूछ सकते हो मुझे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इस व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एटीन एक्स प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4, अंडरस्टूड, ये क्वेश्चन है, सेम डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx 18x प्लस log ऑफ x माइनस 4, ठीक है, क्या लिखेंगे आगे भी, dy बाय dx बहुत सिंपल है, d बाय dx 18x का कितना आएगा, अलग अलग कर दो, दो पार्ट करते हैं, d बाय dx 18x प्लस d बाय dx log ऑफ x माइनस 4, ये kx वाला फॉर्मूला है और ये log x का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा, kx में k कॉमन मतलब 18 कॉमन है तो 18 बाहर होता है और x का कितना होता है 1, इट्स वेरी सिंपल, प्लस log x, व्हाट इज द log x, 1 अपॉन x, x के प्लेस पे x माइनस 4 है तो x माइनस 4, अगेन dy बाय d बाय dx व्हाट x माइनस 4, इसको फिर से करना पड़ता है, therefore 18 वनजा 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, x का कितना हो जाएगा 1, बट 4 का कितना होगा 0, therefore 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, आप इसको और भी सिंपल कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई से, कितना आएगा 18 इंटू x माइनस 4 प्लस इधर अपॉन 1 कर लो, 1 1 जा 1, 18 इंटू x माइनस 4 अपॉन टोटल अपॉन हो जाएगा इस बार, कितना आएगा x माइनस 4, तो सॉल्व करते हैं आगे, 18x, 18 इंटू x, 18x माइनस 18, 4 जा 72 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, राइट, देयरफॉर 18x, ये दोनों लाइक टर्म है, एक जैसे हैं, तो 72 प्लस 1 कितना आएगा 71 माइनस में, समझा, अपॉन x माइनस 4, राइट, देयरफॉर ये मिल गया अपने को dx dy अपॉन dx, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस वी गेट, क्या मिलेगा हमको, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, अंडरस्टूड, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4, राइट, आंसर कैसा हो जाएगा फिर आपका, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, x माइनस 4 अपॉन 18x माइनस 71, राइट, ये हो गया आपका फाइनल, इसको बॉक्स में डाल दो, लिख के लो, समझ के लो, नहीं आता फिर से मैं बताऊंगा, फटाफट एक बार
एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। प्लस एक्स स्क्वायर सेम क्वेश्चन सेकंड भी ऐसे ही, डिफरेंशिएट करो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब बीच में लिखो वहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स 25x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, डी बाय डी एक्स दो पार्ट कर देते हैं, डी बाय डी एक्स 25x प्लस डी बाय डी एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 25x का कितना होगा, 25 बाहर होगा, x का हो जाएगा 1, राइट। प्लस log x, log x का 1 अपॉन x मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड। इतना क्वेश्चन की अब तो समझ रहा होगा आप लोग को, 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का बोलो कितना होगा 0 प्लस x रेस्ट टू यानी x स्क्वायर का कितना होगा 2x, राइट। मतलब बड़ा 2x से 2 आगे आएगा फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 1 2 इनटू x यानी कि 2x। अब 25 प्लस 2 1 इनटू 2x यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अपॉन 1 करके इसको और सिंपल कर सकते हो, मैंने अपॉन 1 ले लिया, क्रॉस करो 25 into 1 plus x square plus 1 into 2x 2x upon 1 plus x square 1 into 1 plus x square यानी कि 1 plus x square। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 25 into 1 25 plus 25 into x square 25x square plus 2x ऐसे रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा सही फॉर्म में लिख लो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड। फिर क्या करेंगे हम लोग इसको, बाय derivatives of inverse function, क्या मिलेगा dx upon dy is equal to 1 upon 25x square प्लस 2x प्लस 25, राइट अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 25 25 x square plus 2x plus 25, understood? इसको box में डाल दो। बॉक्स में डाल लो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फर्स्ट का 1 2 3 तीन क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अच्छे से सॉल्व करो इसको, एक दो बार सॉल्व करो, देखो नहीं समझता फिर से देखो,